अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दुआ खान इज़ हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रेनिंग डे। तो आज बहुत खूबसूरत मौसम है, मौसम हुआ है ऑसम। तो मैंने सोचा कि आज मैं कुकिंग करती हूँ, तो आप सबके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। पकौड़े बनाऊँगी मैं, आप पालक के पकौड़े, सैंडविच और क्या है, फ़िश फ्राई। हाँ, फ़िश फ्राई करूँगी और आपको दिखाती हूँ मौसम है यहाँ पर। ठीक है, आप साउंड सुन सकते हैं बारिश की बूंदों का, बारिश के पानी का। अभी हल्की हो गई बारिश, लेकिन बहुत तेज़ हो रही थी सुबह से और हवा भी थी, अभी हवा भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये है मछली का मसाला, बेसन है मछली का, और ये है फिश, और ये है पकोड़े। पकोड़ों का मसाला इस बेसन है, और इसमें अम्मी ने मेरे हाथ से और चीज़ें ऐड की हैं, नमक वगैरह मसाले, और ये टमाटर है, और ये प्याज है जो हम अभी छीलेंगे, और ये हरी मिर्च है, अदरक, ठीक है, और ये है पालक जो अभी मैं काटूंगी, और ये इसमें मैंने ऐड करा है पालक, हरा धनिया, पुदीना, और इसमें अभी ये हरी मिर्चें भी काट के ऐड करूंगी पकौड़ों के लिए। और ये आलू मैंने काटे हैं, ये भी पकौड़ों के लिए है, और ये बाकी सैंडविच के लिए आलू हैं, और ये साबुत धनिया है जिसे हम पीसेंगे, और ये है अदरक लहसुन, इसे हम देसी तरीके से पीसेंगे, ऐसे आवाज़ सुन सकते हैं आप। और फिर ये केचप है, और ये डबल रोटी है सैंडविच के लिए। जी व्यूअर्स, अब हम किचन में हैं, यहाँ पे किचन है, ये हमारा बाड़ है, यहाँ पे ग्लास लगे हुए कांच के चैम्पियन। तो अम्मी क्या कर रही हो? फ्लॉन कर रही है, दिखाती हूँ अम्मी को। मेरी अम्मी पकौड़े मैं फ्राई नहीं करूँगी, अम्मी करेंगी। ये सारी हमारा चूल्हा ऑन है। ये है फिश, अम्मी ने मसाला लगाया फिश में, बाकी मैंने भी हेल्प करी बहुत ज़्यादा, आप ही ने भी करी है। और ये चटनी है, चटनी का सारा है, ज़ीरा है और गोल लाल मिर्चें हैं, और ये टमाटर है, ये चटनी है, और इसमें है हरा धनिया, पुदीना और पालक पकौड़ों के लिए। और इसमें हमने सारे अम्मी ने मसाले ऐड करे हैं, बेसन और प्याज वगैरह मैंने काटी है, और इसमें सारे लाल मिर्ची भी, अदरक लहसुन भी है। हमें इसमें क्या ऐड करा है पकौड़ों में आपने? जीरा, सफ़ेद प्याज, लाल मिर्ची, अच्छा, सोडा, नमक। ये है पकौड़ों के आलू, और आलू और ये बेसन का मसाला, प्याज और ये पालक, हरा धनिया, पुदीना, इन तीनों चीज़ों को हम ऐड कर देंगे एक बड़े से डिश में। अस्सलाम वालेकुम दुआ। वालेकुम सलाम। आज आप क्या बना रही हैं? आज हम बहुत कुछ बना रहे हैं माशाल्लाह से। अम्मी भी हेल्प कर रही है, आप भी हेल्प कर रही है, मैं भी हेल्प कर रही हूँ। और हमारे सबसे ये फिश है, फिश फ्राई करेंगे, और ये चटनी है, आप देख सकते चटनी बहुत मज़ेदार चटनी, लहसुन की चटनी है लाल। और क्या क्या ऐड किया है लहसुन की चटनी में? हम इसमें हमने लाल गोल मिर्चें हैं, ज़ीरा है, लहसुन है, और इसमें टमाटर है, ये सब हम नमक नहीं किया। नमक तो लाजमी करेंगे, नमक के बिना टेस्ट ही नहीं आएगा। और ये फिश है, फिश बनाएंगे, बारिश है तो बहुत मज़ा आएगा फिश। और ये है पकौड़ों के लिए पालक, ये मैंने सब दिखा दिया है, आप ही वीडियो में दिखा दिया है, आप क्यों दिखा रही है? व्यूअर्स बोर हो जाएंगे, बार बार क्यों दिखा रही है? अब मैं मिक्स करूँगी इन सबको। सबसे पहले मैं क्या मिक्स करूँ, ये करूँ मिक्स? ठीक है, आप देख सकते हैं, बिस्मिल्लाह, मैंने हैंड वॉश कर लिया है पहले। और अब ये आलू, ठीक है, अब ये इसको हम ज़्यादा है ना, ये आधे डाले ना, आधे ऐड करते हैं, आधे सही, आधे हम इसके फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे, बस इतने बहुत हैं आलू, या और थोड़े से और डाले थे बस, ये बहुत है। अब ये हरा मसाला, या कितना खूबसूरत है हरा मसाला, इतना सारा पालक के पकौड़े कितने मज़े के लगते हैं ना अभी, बारिश में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें पुदीना है, हरा धनिया है, इसमें हरा धनिया पुदीना एक सेम लगता है, जैसे अम्मी हमें बुला उनसे मंगवाती थी बाजार में, जब हम स्कूल से आते थे तो अम्मी कहती थी हरा धनिया लेके आना, तो मुझे पुदीना लेके आती थी, मैं पुदीना लेके आऊँ, हरा धनिया लेके आऊँ, तो वो दोनों चीज़ ठीक है। तो हम क्या लेके आते थे? पुदीना लेके आते थे। तो अब समझ में आ गई कि हरा धनिया और पुदीना में कितना फर्क होता है, कलर सेम होता है लेकिन फर्क होता है। हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे, इसमें हम
पानी भी ऐड करेंगे ना, हल्का सा, कम लो थोड़ा। आप दिखाओ ना यहाँ पे आके, दिख रहा है ऑलरेडी, दिख रहा है, दिख रहा है। ज्यादा पानी ऐड नहीं करना? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं ऐड करा मैंने, कम कम, बिल्कुल कम कम ऐड करेंगे इसको, हम ठीक बनाएंगे, ठीक पेस्ट बनाएंगे। हाँ, आप मिक्स करो, इससे नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ बहुत मुश्किल है ये सब, कहना आसान है पकौड़े बनाना, लेकिन बहुत मुश्किल है पकौड़े बनाना। ये हाथ जो हो गए ना, ये ऐसा लग रहा है मैं आटा गूंथ रही हूँ। हंस रहा है क्या? हंस रहा ना, सीरियस सवाल कर लेती है, आप तो बिल्कुल कैमरामैन बन जाती है। कैमरा खान, कैमरामैन फलक खान, दुआ खान कराची। गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही है। मैं शायद 2012 से तुम्हारी कैमरामैन हूँ। मोहसिन खान भी है, कैमरामैन मोहसिन खान, पाकिस्तान न्यूज कराची, एज वेल एज डायरेक्टर, एज वेल एज डायरेक्टर। हाँ डायरेक्टर भी है आपके। मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। हाँ तो व्यूवर्स, अभी हमारे घर में गैस बहुत कम आ रही है, और ये गैस का इशू पूरे कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में हो सकता है। बहुत अब बारिश है तो सब जगह चूल्हे ऑन हो गए हैं, पकौड़े बन रहे होंगे सब जगह, अच्छी अच्छी डिश बन रही होगी, फिश फ्राई हो रही होगी, तो हमारे बहुत बहुत कम गैस आ रही है। कि हम दिखा सकती हूँ मैं आपको कि कितनी कम आ रही है, ये देखिए इतनी सी गैस आ रही है। बस कर दिया पकौड़े, दुआ को तो अपने पकोड़े बनाने ही बनाने हैं। यहाँ पे सैंडविच, सैंडविच के है ना, चीज़ रही हूँ। हाँ यही सैंडविच के, और यहाँ पे गैस बहुत कम आ रही है, अल्लाह करे आ जाए जल्दी से गैस, ताकि मुझे गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाए। जी अम्मी, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये गैस बहुत कम आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अस्सलाम वालेकुम, मैं यही कहना चाहूँगी पूरे पाकिस्तान और मुर्तजा वहाब साहब से, और मुर्तजा वहाब साहब से यही रिक्वेस्ट है कि देखें बहुत महंगाई है, और वह गैस नहीं आ रही, बच्चे भूखे जा रहे हैं, और बहुत गैस का इशू हो रहा है, यह गलत है, इससे बहुत हादसा भी हो रहे हैं। तो अल्लाह के लिए, खुदा के लिए ये काम आप लोग ही कर सकते हैं, और कोई नहीं तवज्जो दे रहा है इस पर, कि आप लोग गैस ऑन करा सकते हैं और कराएंगे, और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत सिंध में है, सिंध की है, और पूरे पाकिस्तान में एक दिन होगी इंशाल्लाह, और आप ये गैस की प्रॉब्लम हल करवा दें। इतना अच्छा लग रहा है ये पकौड़ों का पेस्ट, इतना थिक बना है, इतना अच्छा लग रहा है, जो कर रहा है ऐसे ही मैं ये खा लूँ, पर अब गैस आ जाए जल्दी से, और जल्दी से हमारे पकौड़े रेडी हो जाए, चूल्हा जल रहा है, पर बहुत बहुत धीमी सी आंच आ रही है, पकोड़े बन सकते नहीं बन सकते। मैं बहुत एंशियस हूँ कि जल्दी से गैस आ जाए, और नहीं भाई मैं पुलाव उलाव नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी पकौड़े, जो इतनी मेहनत से मैंने सुबह से पालक काटी, हरा धनिया काटा, हरी मिर्ची काटी, और प्याज काटी, और आलू भी काटे मैंने, तो इतनी में थी बेचे कि पकौड़े बनेंगे। सुबह से गैस आ रही थी, और जब रेडी हो गए सब कुछ, और अब गैस नहीं आ रही, इतनी से कम गैस आ रही है, जल्दी से गैस आ जाए, आप सब दुआ कीजिए गैस। दुआ, आप पकोड़े खा रही हैं? बन गए?
इतनी कम गैस आ रही है और उसमें अम्मी ने इतने अच्छे पकौड़े बनाए, बहुत बहुत ही मजे गए, बहुत गर्म गर्म है, बहुत मजे गए। तो तुम क्या बना रही हो? आप क्या बना रही हो? मैं बातें बना रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, बातें बना रही हो और ब्लॉग बना रही हो, तैयारी भी करिए, पालक ने तैयारी भी करी। इसके बाद नेक्स्ट रेसिपी क्या होगी? पकोड़ों के बाद, पालक के पकोड़ों के बाद सैंडविच बनेंगे और उसका मिक्सचर मैं बनाऊंगी। लहसुन की चटनी बनाई? हाँ बन गई। और क्या कहते हैं, फ्रेंच फ्राइज भी बनाएंगे? फ्रेंच फ्राइज भी बनाएंगी। चटनी निकाल रही हैं आप? डिश में निकाल लें जल्दी से शाबाश। कौन सी चटनी है? लहसुन की चटनी। ओके, मेरी फेवरेट, बहुत मजे की होती है। रेसिपी आपको भी ट्राई कीजिएगा। और अब ये है सैंडविच का पेस्ट, इसे मैं अच्छी तरह ऐसे ही रख दूँ ताकि यहाँ पे इजी होकर दिखने में। कैसे हाँ, अब जो मसाले हैं ये सैंडविच के, ये है चाट मसाला, ये टिक्का मसाला फ्लेवर के लिए, और ये सुन्नत के लिए। मैं अम्मी क्या क्या थी कलों जी, सुन्नत के लिए अम्मी ने पकौड़ों में भी डाली और ये सैंडविच में भी हम ज़रा सी हर खाने में डाल। और ये नमक के पहले मैंने ऐड कर लिया था आलू में नमक, लेकिन आपको दिखाने के लिए ज़रा सा और मैं नमक ऐड करूँगी। और ये काली मिर्चें हैं और ये गर्म मसाला है, ठीक है। अब इन सबको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। अब ये हमारा मिक्सर सैंडविच का रेडी है, कैसे से पीस के। बनाने में सिर्फ खाना है, सैंडविच है, फिश फ्राई है, पकोड़े हैं, लहसुन की चटनी है, लेकिन कितनी तैयारी करना पड़ती है। बहुत बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, तो मज़ा भी तो आता है फिर आखिर में। हाँ, सब इन दी एंड सब बैठ के मज़े से इंजॉय करते खाते हैं फैमिली के साथ। सुभान भी आ चुके हैं ऑफिस से, बेटा सलाम करो। यस तुआ, अब आप क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पे सैंडविच बना रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ, लहसुन की चटनी है ये अच्छी तरीके से। और फिर हम ये सैंडविच का जो मम्मी ने बनाया था पोटैटो पेस्ट इसे मैं अच्छी तरह दबाऊंगी। और फिर आपको सैंडविच पे, जब हम सैंडविच पे रखेंगे फिर आपको मैं दिखाऊंगी, ठीक है। चल ओके दुआ, अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? बस अब ये बन जाएंगे, लाइट ऑफ होगी इसके से और फिर ये रेडी है सैंडविच। सैंडविच रेडी है। अच्छा, इस पर कुछ वेट नहीं रखना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये हम बंद कर देंगे, बंद हो गए। अच्छा डन, ओके। हाँ हाँ, खोला, ओपन करें ताकि मालूम हो कि सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। चिमटे की मदद से उठा दिए, गर्म बहुत है। तो मेरे ख्याल से वो आधा उठ रहा है। हाँ, रेडी, सैंडविच रेडी हो गए। ये थोड़ी बनने वाले हमें एंड में आप फ्रेंच फ्राइज बनाओगे? फ्रेंच फ्राइज ये एंड में बनेंगे हमारे। इसमें हमने क्या लगाया? अभी बेकिंग पाउडर लगाइए क्या आप? हाँ, पकौड़े निकालेंगे गर्मा गर्म, पकौड़े।
मम्मी? आपको दिखाती हूँ हमारी मानो बिल्ली आ गई है खाना खाने के लिए। मानो बिल्ली, मानो बिल्ली, मानो बिल्ली, मानो बिल्ली क्या कर रही है? ठंडी हो रही है? हाँ ठंडी हो रही है। आ आ आ मानो बिल्ली, मानो बिल्ली कहाँ जा रही है? मानो 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 क्या कर रही हो? मानो मानो बिल्ली खेल रही है मेरे साथ, गोल गोल घूम रही है। मानो कहाँ गई मानो? मानो सामने आ जाओ कैमरे में, आ गई मानो। मानो इधर देखो, मानो बिल्ला है ना? मानो बिल्ला, मानो बिल्ला ने कहा हुआ कहा कह रही हो? मानो मानो का ठंडी हो रही है? मानो मानो को मैं इधर ही रखा हुआ है। हाँ क्या बोल रही हो? डर लग रहा है सुबान से, डर लग रहा है। आ फ्रेंच फ्राइज अभी आप फिश बनाओगी ना? अरे वाह आज तो बहुत मजे आ गए मेरे, आज पकौड़ी भी है और फ्रेंच फ्राइज भी है और फिश भी फ्राई होगी। अभी मुझे भी दिखाए आज तो बहुत मजे आ गए। यम्मी यम्मी यम्मी, बहुत गर्म है, गर्म गर्म फ्रेंच फ्राइज। सब खा लेंगे क्या? हाँ सो सब खाएंगे, मेरे लिए बनाए अभी, मेरे लिए ना सब। बहुत मजे के, बहुत मजे के बने और बहुत अच्छे। थैंक यू मम्मी। ये है फिश, अब मम्मी फिश फ्राई कर रही है। यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और अब से ही आगे गैस। यहाँ पे फिश फ्राई हो चुके हैं और अब हम भी आपको निकाल लें। चलो ये हमारी फिश यानी मैं निकाल ली, गर्मा गर्म फिश माशाल्लाह। दुआ आप अकेले अकेले सब एंजॉय कर रही हैं? आ जाए आप भी, आ जाए सब, आ जाए। बहुत मजे का बनाया है, काफी ने भी बनाया है भाई, बहुत अच्छा बना है। पहले आप क्या टेस्ट कर रही हैं? फ्रेंच फ्राइज। और क्या क्या है दिखाएं जरा। फिश है, बहुत ही मजे की फिश है। ये सैंडविच है और ये पकोड़े, ये चटनी। पकोड़े किसके हैं? चाय। पकोड़े किसके हैं? पकोड़े पालक के, पालक के पकोड़े। तुम्हारी चाय में से चाय धुआं उठ रहा है, उठ रहा है, गर्म गर्म चाय। बाकी मैं तो यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ बारिश में, और आप लोग भी घर में रहें और घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं और इंजॉय करें। किसके साथ इंजॉय करें?
फैमिली के साथ तो वह फैमिली के साथ तो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपने तो हमारे साथ आज सारी चीज़ें देसी शेयर करी हैं, देसी फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज तो देसी नहीं होते, फ्रेंच और इटालियन फूड बनाते हैं लोग, फास्ट फूड में आते हैं और सैंडविच भी फास्ट फूड में आते हैं, पकोड़े और फिश फ्राई सिर्फ देसी में आती है, लेकिन कुछ लोग हमने लोगों को स्टेटस देखा तो उसमें पता हमें ज़रा देखा तो मालूम हुआ कि वह पास्ता मैक्रोनी और चाइनीज़ लोगों ने ज़्यादा बनाया है। सो ये तो सबकी चॉइस पे डिपेंड करता है, बट आई लाइक बोथ थिंग। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट आप रनी सीज़न किस तरह इंजॉय करेंगी, ये ज़रूर बताइएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा हमारा व्लॉग, रैन व्लॉग कैसा लगा। ओके, दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली।